50 शब्द प्रति मिनट कोर्ट संबंधित डिक्टेशन का यह पार्ट टू है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। उससे संविधान में इतने परिवर्तन और उपांतरण किए गए कि उसने अपनी पहचान खो दी थी। आपात के तुरंत बाद अधिकांश संशोधन या तो निरसित कर दिए गए या प्रतिस्थापित कर दिए गए, जिससे संविधान लगभग पूर्ववत हो गया, किंतु भाग 14 क, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3/1/1977 से अंतः स्थापित किया था, हटाया नहीं गया, उसे बनाए रखा गया। इस भाग में 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 223 क और 323 ख। इन दोनों ही अनुच्छेदों में संसद को यह शक्ति दी गई कि वह विधि अधिनियम मित करके अधिकरण बना सकती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि से अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता अपवर्जित की जा सकती है। इस उपबंध का प्रभाव यह हुआ कि उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन शक्तियां किसी अधिकरण के संबंध में समाप्त की जा सकती थी। एक प्रकार से इन अधिकारणों को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 क के तहत 1 नवंबर 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी से संबंधित मामलों में शीघ्र तथा कम खर्चे में न्याय मिल सके। इस अधिकरण की केंद्रीय शाखा नई दिल्ली में है तथा अन्य 16 शाखाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों से संबद्ध हैं। इस अधिकरण को संबंधित विषय के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्ति तथा अधिकार प्राप्त हैं। यह अधिकरण केंद्रीय सरकार में लोक सेवा
आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का निर्णय करता है।